ये जो है ना सामने है आरटीओ। मेरा जो है ना पहले वाला जो रेगुलर जो एजेंट था ना अभी उसको मिलने जा रहा हूँ। ऊपर तक जो है ना पूरा कमीशन जाता है। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब। मंडे का दिन है आज गाइस और अभी के बज रहे 8, करेक्ट 8 बज चुके हैं और एक है ना टर्मिनल 2 की ट्रिप जो है ना वो मिल चुकी है। सो पिकअप के लिए जा रहा हूँ मैं। आज देखते हैं पूरे दिन में कितनी अर्निंग हो रही है, क्या है, सब कुछ आपको इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा गाइस। सो एंड तक देखना, कुछ मिस मत करना गाइस और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। 9:30 हो गए, टर्मिनल 2 पहुंचा हूं मैं। जैसे मैं पहुंचा ना वैसे ही जो है ना बुकिंग बजने लगी और ओला की तो क्या बात करूं, ओला तो धनाधन बज रहा था। और एक बुकिंग आ गई जो कि है वाशी की, 1.6 का सर्ज है, 610 रुपये दिखा रहा था। सो मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने ले लेते वाशी पहुंचते पहले। वैसे भी आज सुबह जो है ना मेरे को लेट हो गया आते आते, और पता नहीं भाई रात को जो है ना प्रॉपर मैं टाइम पे सो गया था ना, फिर भी सुबह जो है ना आँख ही नहीं खुली। उसके बाद भाई का कॉल आया, उसको जाना था फिटनेस के लिए, तो एक दो चीज़ मेरी गाड़ी में पड़ी थी तो फिटनेस के लिए वो गया और कॉल आया तुरंत ही। मैं फटाफट रेडी हुआ और आया मैं 8 बजे। जैसे आप लोगों ने देखा 8 बजे जो है ना वो बुकिंग मिली है मुझे। एयरपोर्ट पे आते आते 1 घंटा 20 मिनट हो गया अभी है ना, मैं ऑलमोस्ट पिकअप पॉइंट पर पहुँच गया हूँ। सो टोकन लेके चलते हैं अंदर, वाशी पहुँचता हूँ। पहले ही मैं एडवांस में ना गो होम सेट कर देता हूँ ताकि वाशी पहुँचते ही है ना अपने को बेलापुर साइड की ट्रिप रहेगी तो मिल जाएगी। कस्टमर से बात हो चुकी है, अभी बज रहे 9:38। देखते हैं अभी वाशी कितने टाइम में पहुँचता हूँ मैं। 23B के पास रुके कस्टमर, 573 रुपीज़ दिया है। गाड़ी जो है ना सिर्फ 24 किलोमीटर चली है गाइस। बहुत ही ज़्यादा भयंकर ट्रैफिक था भाई जो है ना वो गाड़ी लेके गया है सीवुड में। सो जो वाशी वाला जो आरटीओ था ना वो बंद होके आ चुका है अभी सीवुड में। बोल रहे हैं कि ट्रक का जो है ना अभी ट्रायल चल रहा है, 12 गाड़ी है आगे। अगर मुझे वो साइड की ट्रिप मिलती है सो मैं जाऊँगा, आपको बताता हूँ कि भाई कैसे ट्रायल वगैरह होता है, क्या होता है आरटीओ में सब कुछ। भाई का कॉल आया था, बोल रहा है कि आरटीओ में है ना भाई वहाँ से जो उन लोग का जो बंदा रहता है ना जो येल्लो 3mm की जो टैप लगा था वो उन लोग के पास से लेना ज़रूरी है, अदरवाइज जो है ना ये लोग पासिंग नहीं करते। मैंने बोला है मत लगा, देखते हैं इस बार पासिंग होता है कि नहीं होता है गाड़ी का। बहुत ही ज़्यादा कड़क धूप है, 38-39 डिग्री जो है ना अभी चल रहा है। ये जो है ना सामने है आरटीओ जो कि शिफ्ट होके आ चुका है सीवुड में, 5 नंबर है आगे, उसके बाद जो है ना अपनी गाड़ी आएगी। सो भाई आरटीओ का जो है ना फंडा है ना समझ में नहीं आता है भाई। मैंने एक दो जगह पर कन्फर्म किया कि यहाँ पर इनका है ना मोनोपोली रहता है, यहाँ पे उनके पास जो है ना उनका बंदा रहता है जो स्टिकरिंग करता है गाड़ी को, सब कुछ जो है ना वही करता है, उनके पास कराना कंपलसरी होता है, अदरवाइज़ गाड़ी अपनी जो है ना पास नहीं होती है। सो ऐसा कुछ रहता है। सो इस बार जो है ना मैंने भाई को बोला है कि भाई कुछ भी स्टिकरिंग मत करवाना अपने पास, ऑलरेडी गाड़ी जो है ना परफेक्ट है, कहीं भी स्टिकरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। देखते अभी गाड़ी अपनी पास होती है कि नहीं होती है या फिर यहाँ से लगाना पड़ता है। धूप है ना इतनी है ना कि अभी ऐसा सोच रहा हूँ कि है ना अभी वापस घर पे चले जाता हूँ, शाम को 4:30-5 बजे है ना फिर से लॉगिन करूँगा। ये देखो ट्रक का भी पासिंग होता है इधर, सब कुछ सारी की सारी चीज़ें है ना पूरा ट्रायल के लिए है ना ट्रैक ही बनाया हुआ है यहाँ पे। गाड़ी आपको दिख रही है कि नहीं पता नहीं, यहाँ पे ऑटो में है ना पुलिस वाले बैठ के जाते हैं वो साइड में, फिर वहाँ से ना गाड़ी में बैठ के आते हैं, तब तक ऑटो यहाँ पर खाली आता है, फिर यहाँ से वापस जाते हैं ऐसा करते हैं। तो ये वंडर्स पार्क है सीवुड का और है ना ये उसके ऑपोजिट साइड पे ही जो है ना ये वाला आरटीओ है। मेन टाइम पे दोनों ट्रक आमने सामने फंस गए, पीछे अपनी गाड़ी का जो है ना पासिंग हो रहा है, ये अपना सामने है ना पासिंग चल रहा है अपनी गाड़ी का। तो भाई अपना गाड़ी आ गया है, पैनिक बटन के लिए रिजेक्ट किया है। 2016 के बाद का जितना भी मॉडल है ना सब पे पैनिक बटन कंपलसरी है। सो कुछ नहीं मिला तो पैनिक बटन के लिए ना रिजेक्ट किया भाई। ये ना नया वाला आरटीओ का ऑफिस है। मेरा जो है ना पहले वाला जो रेगुलर जो एजेंट था ना अभी उसको मिलने जा रहा हूँ, बिकॉज ऑफ पैनिक बटन GPS जो है ना ये लगाना कंपलसरी है, सब बोल रहे आरटीओ से। तो उससे भी बात की, वो बोली 17 का मॉडल है तो निकल जाएगा, बट अभी डायरेक्ट कर रहे थे ना तो उसके लिए जो है ना अभी गाड़ी आपका देख लिया। सो अब मिलो करके, तो अभी मिलने जा रहा हूँ मैं, मिलता हूँ और फिर देखते क्या इसका सॉल्यूशन निकलता है। 5 बजने आए हैं, मैं ना फिर से लॉग इन हो रहा हूँ, अभी 4:52 हो रहा है और घर पर चले गया था मैं। उसके बाद अभी जो है ना मैं बोला इवनिंग को निकलता हूँ फिर से, मेरी लड़की की तबीयत ख़राब थी तो उसको जो है ना वो डॉक्टर के पास लेके जाना था, वहाँ पे आरटीओ का भी काम पेंडिंग था, दोनों भी एक साथ हो गया तो आरटीओ का काम ख़त्म करके
एजेंट के पास गया, एजेंट के पास से भाई को बोला गाड़ी लाइन में फिर से लगाने के लिए, और फिर मैं आया हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से फिर घर पे आया, खाना खाया और अभी मैं फिर से निकल रहा हूँ। एजेंट को दे दिया काम, ऑलमोस्ट दिया नहीं है पूरा काम। क्या हो गया कि गाड़ी को जो है ना मेरी बाहर निकाल दिया, बोला है कि भाई स्पीड गवर्नर कहाँ पे यार, सब कुछ ओके था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ जो है ना कहाँ पे अटका, जीपीएस के लिए। सो मैंने जीपीएस वाले को फ़ोन किया पैनिक बटन के लिए। सो उसने क्या बोला कि 2017 का मॉडल है तो उसमें जो है ना कंपलसरी नहीं है, मेरे पास जीआर अभी है नहीं, अदरवाइज मैं है ना जीआर आपको भेजता, सो आप वो पुलिस वाले को दिखाओ करके। सो मैं उसके पास फिर से गया, मैं बोला अरे सर मैंने जीपीएस वाले को कॉल किया तो बोल रहे कि जो है ना वो कंपलसरी नहीं है 2017 के मॉडल के लिए। सो मैंने बोला सर इससे पहले भी दो बार मैंने करवाया पासिंग, तो तभी तो नहीं कुछ रिक्वायरमेंट था। सो क्या बोलने लगा कि वो टाइम पे मैं नहीं था ना करके। सो क्या कर सकते भाई, उनसे अभी बहस तो नहीं कर सकते। फिर मेरे पास एजेंट का नंबर था पहले वाले, सो उसको ही कॉल किया मैंने, तो भाई वो बाजू की बिल्डिंग में था जो आरटीओ की नई बिल्डिंग बनी है वहाँ पे। सो उसके पास गया, उसको मिला, उसने कुछ नहीं किया, उस पर सिर्फ नाम लिखा उसका और बोला वहाँ पे उसका आरटीओ में जो ग्राउंड रहता है टेस्ट ग्राउंड वहाँ पे उसका बंदा था, उसको कॉल किया, उसका नंबर पीछे लिख के दिया और फ्रंट साइड पे जो पेपर रहते हैं उसके फ्रंट साइड पे उसका जो बंदा था एजेंट उसका नाम लिख के दिया। अभी टेस्ट के लिए जो है ना फिर से लाइन लगाया। सो मुझे आ रहा था हॉस्पिटल तो मैं आ गया, भाई को बोला तू लाइन में रुक। सो मुझे पता था कि अभी तो भाई ये 100% हो ही जाएगा क्योंकि उस पर एजेंट का नाम लिखा हुआ है, ऊपर तक जो है ना पूरा कमीशन जाता है। सो भाई का कॉल आया कि भाई हो गया, उसने बोला कि ठीक है ओके करके भेज दिया। तो ऐसा होता है भाई, विदाउट एजेंट मैंने इससे पहले दो बार काम करवाया, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। इस बार जीपीएस का प्रॉब्लम था भाई, 9,000 रुपये मुझे बोला जीपीएस का, ठीक है। अभी मैं एजेंट के पास नहीं जाता और मैं अगर 9,000 रुपये का जीपीएस डलवा लेता, सो मेरी गाड़ी का जो है ना टाइम बचा हुआ है ऑलमोस्ट 1.5 साल बचा हुआ है। 1.5 साल के बाद जो है ना उसका वैसे भी जो है ना वो टाइम ख़त्म होने वाला है। बुकिंग भी आ रही है, टर्मिनल 2 आ गई, देखते आ रही है कि नहीं, आ गई, चलो टर्मिनल 2। सो 1.5 साल के बाद जो है ना वैसे भी उसका टाइम जो है ना वो खत्म होने वाला है। फिर मैंने सोचा कि है ना एजेंट के पास ही काम करवाता हूँ, आधे से ज्यादा काम तो मैंने कर ही दिया था, थोड़ा बहुत काम बाकी था। तो एजेंट ने है ना कुछ पैसा अभी तक मुझे बोला नहीं है, बोला बाद में देखते ही करके, वो पहचान वाला ही है। सो 9,000 की जगह पे मेरा 2-3 हज़ार में काम हो रहा है तो वही अच्छा रहेगा, फायदेमंद रहेगा। तो इसके लिए मैंने वो एजेंट के पास उसको जो है ना वो फिल फॉर्म करवाया और दे दिया, जो भी अमाउंट है वो भी देखते हैं बाद में। अभी पिकअप करता हूँ इनको और मिलता हूँ टर्मिनल 2 पे। $655 हो रहा है और टर्मिनल 2 पहुँच चुका हूँ मैं, जस्ट ड्रॉप किया है कस्टमर को और ₹461 दिया है। टाइम कितना लगा है पता है भाई, टाइम ज़्यादा नहीं लगा है, 1 घंटा 22 मिनट भाई, बहुत टाइम लग गया। एक्चुअली क्या हुआ, ओटीपी डालने के बाद क्या हुआ, कस्टमर के लोकेशन पे रुकना पड़ा। 4 जन थे और 4 बैग थी बड़ी बड़ी, तो भाई अपने इसमें तो 2 ही बैग आई। सो मैंने बोला भाई 4 बैग तो नहीं आ सकती है, सो उन्होंने दूसरी कैब बुक की। सो वो बंदे के पास जो है ना उबर नहीं था, उसके बाद फिर उसने डाउनलोड किया, इसमें ना 5-10 मिनट चले गया। बुकिंग मिली मुझे टर्मिनल 2 से, कांजूरमार्ग आया, कितना टाइम लगा पता है, मैं बताता हूँ आपको भाई, 1 घंटा 16 मिनट लगा मुझे, सिर्फ 12 किलोमीटर का जो है ना ₹382 दिया है। साकी नाका आते आते ही मुझे ना 40 मिनट से भी ज़्यादा टाइम लग गया, उसके बाद फिर पवई में ट्रैफिक कंटिन्यू ट्रैफिक मिला। सो अभी यहाँ पे तो आ गया, मुझे लग रहा है कि यार यहाँ से ना आके मुझे 15-20 मिनट हो गए। यहाँ पे जो है ना आई थिंक लोडा का ऑफिस है, कुछ भी बुकिंग नहीं बज रही है, क्या पता भाई, सुनसान एकदम पड़ा हुआ है। अभी एरोली की बुकिंग मैंने ली है, कोई बात नहीं, चलो भाई एरोली तो पहुँचते हैं। एरोली से है ना गो टू होम सेट कर दिया है मैंने, सो वहाँ से घर की तरफ की कोई बुकिंग मिलेगी तो चलेंगे। नसीब देखो, डायरेक्टली जो है ना खारघर स्टेशन की बुकिंग मिल गई है, ये सामने ही है 290 मीटर से पहुँच गया मैं खारघर। ₹253 दिया है, CNG रिजर्व पे आ चुका है, ये ना मैं CNG नहीं भरवाऊंगा क्योंकि नेरुल जाना पड़ेगा और फिर वहाँ से वापस आना पड़ेगा और ऑलमोस्ट जो है ना 10:30 हो चुके हैं। सो सोच रहा हूँ सुबह, पहली बार ऐसा करता हूँ कि सुबह लॉग इन होने से पहले CNG भरवाऊँगा। सुबह सुबह अगर अच्छी बुकिंग आ गई तो चले जाऊँगा,
बॉम्बे साइड जाके जो है ना सीएनजी भरवाऊंगा, अदरवाइज सुबह नेरुल में सीएनजी भरवा के फिर मैं ऑनलाइन होऊंगा। टोटल अर्निंग जो है ना वो हुई है 2280 की, जिसमें 6 ट्रिप है और 4 टोल है अलग से। टोटल कितना होता है यहाँ पे आपको बता दूंगा मैं। और गाड़ी जो चली है 170 किलोमीटर चली है। सुबह 8 बजे मैं लॉग इन था, 12 बजे मैं घर पे आ गया था और उसके बाद शाम को 5 बजे मैं निकला और अभी जो है ना वो 10:30 बजे घर पे आ रहा हूँ। टोटल जो है ना 9.5 घंटे काम किया है, 170 किलोमीटर गाड़ी चली है और कंपेरिजन करेंगे तो टाइम के हिसाब से अच्छी खासी अर्निंग हो चुकी है। लाइक करके शेयर कर दो गाइस, कमेंट करके जो है ना सब्सक्राइब कर दो। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में गाइस। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट गाइस। बाय बाय।